सिलाई मशीन से रिलेटेड एक ऐसी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे जो शायद बहुत कम लोगों को पता होता है, और ये चीज़ें शायद आपको बहुत कम देखने को भी मिले, क्योंकि अगर आप कहीं भी सर्च करते हैं तो जानकार होंगे तभी आप इन सब चीज़ों को जान पाएंगे, वरना नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम बताने वाला है। तो आज हम उसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोई भी सिलाई मशीन का मॉडल एक ही होगा या एक ही रहता है, पर उसमें काम करने का तौर तरीका अलग हो जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार आज देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा, कोई सा भी मॉडल हो उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा कि एक ही मॉडल में हमें दो तीन मशीनें जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें अलग होता है और उसे कैसे हम जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस मशीन के बारे में बात करने वाले हैं ये मशीन है जुकी का, और जुकी का मशीन है ज़्यादातर चलता भी है तो और टॉप में भी जुकी का रहता है, तो हम जुकी के बारे में ही आज जानेंगे। और ये फुल्ली हाई स्पीड मशीन होगा और ये मॉडल होगा DDL का। तो DDL में क्या है दोस्तों, DDL में बहुत सा मशीनें हैं, जैसे डिजिटल में भी है और प्रीमियम में भी है और सीरीज में भी है और नॉर्मल भी है। तो DDL के बारे में पूरा तो नहीं जान पाएंगे कि कितने मशीनें हैं, पर आप थोड़ा सा समझ जाएं। जैसे हम मॉडल की बात करें तो मॉडल इसमें 9000CF, 9000CS, 9000C-FMS, तो इन सब चीज़ों 9000 में है। तो इसी में सब डिजिटल और प्रीमियम में सिर्फ मशीनें हैं ये सब। और 900C ये सीरीज में है, 8000A ये सीरीज में है, 7000 सीरीज में है। तो ऐसे ही मॉडल बहुत सा इसमें है। तो आज जिस मॉडल के बारे में हम जानेंगे ये मॉडल होगा जुकी DDL 8700, और इसमें भी हम 6 मशीनों के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसमें 6 मशीनें हैं और 6 का 6 अलग अलग है। तो चलिए देखते हैं 6 मशीनों में अलग हमें क्या मिलता है और कौन सा मशीन किस काम के लिए बना होता है, कौन सा मशीन में हम कौन सा कपड़ा सिलाई कर पाएंगे। तो चलिए इसी चीज़ को देखते हैं पूरा डिटेल में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। चलिए देखते हैं में कौन कौन सा मशीनें हैं। पहले हम 6 मशीनों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक मॉडल है 87007, और उसी में एक और मशीन है 87007A और 87007H। तो ये 3 मशीन है, और तीनों में आपको इसमें ऑटो कट, ऑटो फूड, ऑटो रिवर्स, यानी इसमें थोड़ा थोड़ा डिजिटल से मिलता जुलता है। इसमें आपको जो नॉर्मल मशीन होता है वैसा ही होगा, पर इसमें सारा चीज़ मिलता है इसमें अलग से। तो दोस्तों, ये तीनों मॉडल में आपको ऑटो कट मिल जाएगा, जैसे धागा अपने आप काटना, या ऑटो रिवर्स मिल जाएगा, जहाँ से चल रहा है ये ऑटो रिवर्स होके चलना स्टार्ट करेगा और ऑटो रिवर्स होके जाके रुकेगा भी, और जब भी इसे नीचे दबाएंगे ये धागा भी काटेगा। और इसका ऑटो फूड भी मिलेगा, जिसे हम बूट भी बोल सकते हैं या दाब भी बोल सकते हैं, जो दाब अपने आप ऊपर चला जाएगा और जब भी आप इसे एक्सीलेटर दबाएंगे ये नीचे चला जाएगा। तो इन सब चीज़ें ये 3 मॉडल में आपको मिलता है, पर आप जानेंगे आगे की मशीन में और इससे भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मशीन किस काम के लिए बना होता है, मॉडल कौन सा कपड़ा सिलाई करने के लिए बना होता है। तो आगे के मॉडल में ही हम समझ जाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे पूरा डिटेल में, जानेंगे कौन सा मशीन का क्या क्या चीज़ें हमें मिलता है या कितना स्पीड मिलेगा, कितना क्या मिलेगा, इन सब चीज़ों को सब चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये 8700 वाला मॉडल है, DDL 8700 मॉडल। मशीनें बिल्कुल सेम है, जो आप पहले का मशीन में देखा उसमें आपको सिर्फ ऑटो कट, ऑटो फुट, ऑटो रिवर्स मिलेगा, इसमें ये इस सब चीज़ें नहीं मिलेगा। ये नॉर्मल मशीन है, और नॉर्मल मशीन में बात करने का मतलब ये होता है, क्योंकि ये मशीन आपको सेकेंड हैंड में भी मिल जाएगा और नया तो मिलेगा ही। और मज़े की बात यह है, इसका रेट भी बिल्कुल मीडियम में है। और नॉर्मल मशीन का एक अलग फ़ायदे हैं, जो नए लोग होते हैं उसे नॉर्मल मशीन में ही ज़्यादा फायदे होता है, और ये टिकाऊ भी होता है। और नॉर्मल, डिजिटल, प्रीमियम क्या होता है इसके बारे में आगे के वीडियो में जानेंगे कि मशीनों में क्या अंतर होता है या कौन सा मशीन किसे लगाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं 8700 के बारे में, और 8700A और H ये तीनों मॉडल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये इसमें वेट की बात करें तो मीडियम, हाई, लो और हैवी। हैवी का मतलब थोड़ा भारी है, भारी वाला H का जो मॉडल है वो भारी है, और A का जो मॉडल है ये मीडियम में, लो में है, और मीडियम में 8700 है। तो इसमें सबसे जो मेन चीज़ निकल के आता है ये है इसका स्पीड। इसमें आपको 8700 जो मॉडल है इसमें आपको 5500 का स्पीड मिलता है, यानी इसे आप प्रति मिनट के हिसाब से 5500 का स्पीड से भगा सकते हैं। प्रति मिनट में चलने का इसे कैपेसिटी है 5500 तक आप इसे चला सकते हैं, जो मशीन
बिल्कुल पावरफुल मशीन है ये। 5,500 कोई कम नहीं होता। आपने सर्वो मोटर देखा होगा, या 5,500 का स्पीड कौन लोग चला सकता है? आप थोड़ा कमेंट में ज़रूर बताएं, 5,500 का स्पीड का इस्तेमाल कौन करता है और करता है और मिनटों और घंटों तक करता है? इन सब चीज़ें उन्हीं को फ़ायदा होगा। तो आगे मैं भी बताऊंगा कि ये मशीनें किसे ज़्यादा फायदे दे सकता है। और जो 8700A वाला मॉडल है, इसमें आपको 4,500 का स्पीड मिलता है। मतलब इसे 4,000 प्रति मिनट 4,000 तक ही आप इसे चला सकते हैं। और जो H का मॉडल है, इसमें भी आपको वही सेम स्पीड मिलता है। तो 4,000 का ये सब दोनों है, 5,500 का सिर्फ 8700 वाला मॉडल है, इसमें आपको 5,500 तक का है। अब मैं सिलाई mm की बात करूं, लेंथ का 5 mm मिल जाता है आप में ये 8700 में, और 4 जो है इसमें 4 mm मिलता है A वाला मॉडल में, और H का जो मॉडल है इसमें भी आपको 5 mm का मिलता है। और नीडिल बार स्टॉक ये उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि नॉर्मल मशीन में सबका बराबर होता है। 30.7 mm का इसमें नीडिल बार है, 35 mm का इसमें मिल जाएगा आपको H वाला मॉडल में, तो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने जो चीज़ें रखता है, प्रेशर फूड और नीडिल बार स्टॉक का कोई मायने उतना नहीं होता है। मायने जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो सुई का होता है, कि आप कौन सा मशीन में कौन सा सुई लगा सकते हैं। क्या होता है, जो पतला कपड़ा सिलाई करने वाला जो मशीन होता है उसमें अगर आप ले आते हैं तो उसमें मोटा सुई भी लगाने में बहुत दिक्कत होता है, और होगा लगेगा ही नहीं, क्योंकि हैवी होता है मोटा सुई, तो उसमें क्या होगा, मोटा सुई लगेगा नहीं। तो सुई की बात करें तो ये 8700 का जो मशीन है, इसमें आप 18 नंबर से नीचे का जितना भी सुई है वो सारा सुई लगा सकते हैं, 1 से लेके 18 नंबर तक। एक नंबर का तो होता नहीं है, पर 9 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर जो भी है, आप इसे 8700 में कोई सा भी ये सब सुई चला सकते हैं। और जो 8700A का जो मॉडल है, इसमें आप 11 नंबर से नीचे तक का ही सुई चला सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, और H का मॉडल जो है इसमें हम सुई की बात करें तो इसमें 19 नंबर से लेके 23 नंबर तक का सुई हम चला सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है, जो H का मॉडल है ये हमें मोटा कपड़ा सिलाई करने के लिए बना है। ये बिल्कुल जो भी डेनिम हो या लेदर हो, कोई भी हो, मोटा कपड़ा हो, जैकेट हो, इन सब चीज़ों पे चलने वाला ये मशीन है। और ये जो A वाला मॉडल है ये पतले कपड़े के लिए बना है, जैसे ज़्यादातर हौजरी में इस्तेमाल होता है पतला कपड़ा, पतला सिलने वाला मशीन, उसमें छोटा बारीक सुई चाहिए जिसमें आपको छेदा नज़र ना आए, क्योंकि हौजरी कपड़ा कट जाता है। तो ये होता है मशीनों की पहचान करने का एक तरीका। और यह 8700 का जो मॉडल है, इसमें 18 नंबर से नीचे यानी नॉर्मल कपड़ा जो सिलाई होता है, पैंट शर्ट कुर्ता पजामा, इन सब चीज़ें जो ज़्यादातर नॉर्मल यूज होता है, ये 18 नंबर से नीचे का ही सुई चलता है। क्योंकि आप पेंट सिलेंगे 18 नंबर, शर्ट सिलाई करेंगे 16 नंबर, 18 नंबर, उससे भी पतला कपड़ा का सिलाई करेंगे लेडीज़ का, तो उसमें आप 14 नंबर का सुई चला सकते हैं। तो ये मशीनें नॉर्मल है, इसमें जो है 8700 का जो ये मॉडल है, ये आप बिल्कुल कोई सा भी कपड़ा में कहता हूँ सिलाई कर पाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल मशीन है और ज़्यादातर यही मशीनें यूज होता है। और 28 kg इसका मिनिमम वज़न होता है इस मशीन का। तो ये मशीन का ये फ़ायदे हैं। 8700 का मॉडल का फुल रिव्यू है, इसमें कितना ये आप देख पाएँ, कितना स्पीड, कितना क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख पाएँ। तो दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, और अपना राय भी दें हमें, कौन सा वीडियो, कैसी वीडियो आपको चाहिए, तो इन सब चीज़ों को आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।